लाला तेरी बात ना माने तो बहू कुलच्छनी, तेरे दमान तेरी यानी कि बिटिया के सास की बात ना माने तो सुलच्छनी है। बहू 4-8 बजे उठ रही तो कुलच्छनी है और बिटिया 10 बजे उठ रही तो सुलच्छनी है। कहने का मतलब हमें भाव परिवर्तन करना पड़ेगा, हमने विचार परिवर्तन करने पड़ेंगे, अपने अंदर ये लाना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि ये बहू नहीं मेरी बेटी है। जिस दिन तुम बेटी का भाव देख लोगे बहू के अंदर, उस दिन ये बहू तुम्हें माँ जरूर मानेगी। एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से, दोनों तरफ से होना चाहिए। और मैं तो हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करूं मेरे सामने ये बात फिर ना आए कि कोई मैया ये कहे कि बिटिया हमारी बहू हमें रोटी नहीं देती। मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है, ये बुजुर्ग हैं, इनका आशीर्वाद जितना ले लो उतना अच्छा है। आप बताइए, दो रोटी आपके घर में कुत्ता खा जाता हो, लेकिन दो रोटी अगर माँ खा लेगी तो क्या कम पड़ जाएगा? कम नहीं पड़ जाएगा। इसलिए कभी भी अपनी माता पिता को रुलाना, तीर्थ पूजा करने मत जाओ, अरे कथा भागवत में मत चढ़ाओ, लेकिन अपने माँ बाप को कभी धोखे मत सुलाओ, आंखों में आंसू मत बहाओ। क्या फायदा है तुम्हारे दान करने से जो घर में बुजुर्ग रो रहा है? ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि इसी गांव में ये बात मुझे सुनने को मिली है। इसलिए मेरा प्रार्थना है, निवेदन है, हो सके तो इसको मान लेना, और मान लोगे तो जीवन में कुछ न कुछ जरूर पा जाओगे। जो भी आपके कष्ट हैं केवल बुजुर्ग के आशीर्वाद से ही कट जाएंगे। आप केवल झुकना सीख लीजिए। जब बड़े के लोगों के आगे हम झुकते हैं प्यारे, ये निश्चित है वो हमें आशीर्वाद देते हैं। जब किसी के पैर छूते हैं तो 4 चीजें मिलती हैं, आयुर्विद्या यशो बल, आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ता है, यश बढ़ती है, बल बढ़ता है। जब किसी के आगे तुम झुकोगे ना तो कुछ ना कुछ तो मुख से बोलेगा, कुछ तो आशीर्वाद मिलेगा, और उस आशीर्वाद को हम नहीं लेते, ये मेरा दुर्भाग्य है। कभी कभी जीवा पर ऐसी सरस्वती वास करती है कि अगर कोई एक बार आशीर्वाद दे दे तो वो जीवन में सफल हो जाता है। इसलिए हमेशा सोच समझ कर ही बोलना चाहिए, जीवा पर एक बार सरस्वती 24 घंटे में सबकी जीवा पर वास करती है। आइए प्रश्न की ओर चलते हैं, बहुत देर हो गई। आप लोग ये सोचेंगे कि भाई ऐसा नहीं सोचना कि हमारे